अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फान चौधरी स्टॉक। मैं हूं फान चौधरी। बात हमने देखनी है, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद होगा ना, देखिए अगर हमने पैसे कमाने हैं, ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है। अगर हमें पैसे कमाने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा एक स्टेटस बनाना है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी ना इन्हें साइड पर रखना है। लेकिन आपका मकसद क्या होना चाहिए, देखें अगर आपने बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज में जाके पैसे कमाने, आपका मकसद क्या होना चाहिए, या मैं फॉरेन किस तरह जाना है और वहाँ जाके वर्क क्या करना है, मकसद इस चीज़ को समझना है आपने। ये चीज़ समझे, वहाँ जाके मैंने वर्क क्या करना है, या यहाँ पे मैं कोई अच्छी फर्म में जाके काम करूँगा तो मैं जॉब कैसे हासिल करूँगा, मैं वहाँ पे जाके वर्क कैसे करूँगा। देखिए जब आप जॉब करेंगे, अच्छी वर्क करेंगे, खुद ब खुद पैसे आना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद अच्छे कपड़े आना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपका स्टेटस बन जाएगा। इस चीज़ों को आपने हमने समझना है। देखिए इसी तरह हमने वेस्ट टाइम ही अपना करना। देखें आपकी चीज़ किस चीज़ में एक्सपर्टीज है, आप उसमें नॉलेज हासिल करें। देखिए जैसे अभी कोरोना आया हुआ था, अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए इसमें एक्सपर्टीज किसने हासिल करनी चाहिए थी, डॉक्टर्स को। हमारा क्या काम था, सिर्फ SOPs पे अमल किया जाए। हमारा क्या काम था, इससे बच्चा कैसे जाता है, बस थोड़ा सा नॉलेज हासिल करके। क्योंकि अगर हम इस चीज़ का नॉलेज लेना शुरू हो जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे है क्या चीज़, आगे क्या है। क्योंकि हमारी फील्ड और है ना, हम कोई और काम कर रहे हैं, अपने फील्ड छोड़ दी और चीज़ में चले गए, उस चीज़ में भी एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर सके। अपनी जो चीज़, जो मैंने फील्ड पूरे 20 साल लगा के जिस चीज़ में जा रहा था, उस चीज़ में भी एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सका। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और क्या, यहाँ से हमने समझना है। देखें आपके वालदैन ना, उनके साथ सबसे पहले ना वो आपके बड़े मुखलिस होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ अच्छा सलूक करें। देखें आपके वालदैन जिन्होंने आप, जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, उसके बाद उन्होंने आपको एजुकेशन दी, आपसे अच्छा सलूक किया, आपको दुनिया में रहना सिखाया, ठीक है ना, आप उन्हें छोड़ के गैरों को दोस्त बना रहे हैं। इस चीज़ को समझना है, ये हम गलत कर रहे हैं। गैरों के साथ दोस्ती बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है ना। वालदैन के साथ हर चीज़ शेयर करनी है, उन्हें आपकी एक एक चीज़ का पता हो कि आप कर क्या रहे हैं, आगे आपकी प्लानिंग क्या है, पीछे आपने क्या किया है, ताकि कल अगर किसी से भी पता चले वो कहे, फ़खर से कहें, आई नो डैट मेरा बेटा मुझे हर चीज़ बताता था, मेरी बेटी मुझे हर चीज़ बताती थी। फिर मज़ा है ना ज़िंदगी का, फिर मज़ा है ना, ठीक है ना। इसी तरह जिस चीज़ में एक्सपर्टीज हो वो चीज़ करनी है, और सेकेंड या जिस चीज़ में हमारा मेन मकसद होगा, हमने उस चीज़ के पीछे जाना है। जो बाकी चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, वो खुद ब खुद मिलती रहेंगी, हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें आती रहेंगी। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागेंगे, मेन मकसद के पीछे जा नहीं सकेंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं आएंगी, सारी ज़िंदगी में लगा के हम वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकेंगे। आप लोग देखना कि अपनी लाइफ, क्योंकि बहुत थोड़ी लाइफ है, एफर्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें चलते रहना है, सोना रेस्ट करना ये काम नहीं है हमारे पास, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। आखिर में अल्लाह तआला से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।